खबर में आप सभी का स्वागत है। इस साल रामनवमी के मौके पर गुजरात में जब जुलूस निकल रहा था तब कुछ आरोपियों ने जुलूस पर पथराव किया और हिंसा फैलाई। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दो गुटों में जमकर पथराव हुआ और लड़ाई हुई। इसके बाद जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपियों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर अब गुजरात पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आरोपियों के घर और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जिसके बाद ये काफिला मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर काफी चर्चित हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाते। इसके बाद अब गुजरात में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव करने वाले आरोपियों के दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये दुकानें अवैध जगह बनाई गई थी, इसलिए ऐसा किया गया है। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें।